देखो लास्ट क्लास में आप बोल रहे हो कि क्या बोलते हैं, बैंक वाली एंट्री बस हुई थी, बैंक वाली हो गई थी, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, रिफंड वाली एंट्री की थी मैंने कल, नो मैम, ठीक है। कितने शेयर्स है? 15,000 शेयर्स है, ठीक है। कितने के लिए आया था? 20,000 के लिए आया था। तो 5,000 शेयर्स क्या किए थे? रिफंड किए थे। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन किया था हमने कितना? 6 लाख। फिर सेकेंड एंट्री करेंगे अपन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें आएगा 4,50,000। देखो 15,000 शेयर्स हैं और एप्लीकेशन के टाइम, ये वाला पॉइंट, ये कितना है? ये 30। थर्ड, 5,000 शेयर्स एक्स्ट्रा आए थे एप्लीकेशन, तो इसको रिफंड करेंगे, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना हो जाएगा ये? 1,50,000। 5,000 इंटू 3, 30 से ये। अब फोर्थ एंट्री देखो किसकी रहेगी? अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट ड्यू होगा तो उसकी एंट्री करेंगे आप लोग, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अच्छा, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या इंग्लिश या हिंदी में? तो तुरंत पूछ सकते हो तुम लोग। नो मैम, कितना है? देखो अलॉटमेंट का अमाउंट भी ये देखो 30, तो 15,000 शेयर्स का 30 के हिसाब से 4,50,000, ये क्या हो रहा है अपना? ड्यू हो रहा है। क्लियर है? अब देखो ये ड्यू हो गया, अब रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने से? 4,50,000 से। नेक्स्ट देखो, फिर सिक्स एंट्री इधर देखो, ये प्रथम याचना पर कितना ले रहा है? 20 रुपए। तो सेम जैसे ये अलॉटमेंट की ड्यू किए थे, सेम वैसे ही इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से? 20 रुपए से। तो 15,000 इंटू 20 के हिसाब से कितना हो गया यहाँ पे देखो? 3 लाख। अच्छा, आप लोगों को पता है ना नरेशन लिखना पड़ता है बींग करके, बताओ है यस मैम, ना? वो सब मैं नहीं बता रही हूँ ना। सेवन देखो, फिर ये ड्यू किया, अब देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। पूरा का पूरा मिल रहा है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है कि नहीं मिल रहा है या क्यों नहीं मिल रहा है। कॉल इन एरियर्स और कॉल इन एडवांस वाली वैरायटी अपन कर चुके हैं। नेक्स्ट देखो, ये अंतिम याचना पे सेम ड्यू होगा जैसे ये हुआ था इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, सेम इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट, या फाइनल कॉल भी लिख सकते हो ना, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये भी 20 रुपए से ही है, तो 15,000 इंटू 20, 3 लाख हो जाएगा। फिर हमको अमाउंट मिलेगा इसका बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, एंट्रीज हुई? किसी को डाउट है किसी भी एंट्री में तो पूछ लो जल्दी से। नो मैम, क्लियर है सबको?
नोट कर लो सब जल्दी से. यस मैम. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन. नेक्स्ट देखो. ये क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन समझो सब. देखो, रवि फैन लिमिटेड ने 100 रुपए प्रति अंश के मतलब ये देखो, मैं हाईलाइट करते जा रही हूँ चीजों को. देखो तो एक शेयर कितने का है, देखो 100 रुपीज का. ये देख रहे हैं 100 रुपीज. देखो yes, ma'am. कितने हैं, 5000 इक्विटी शेयर्स है ये समतांश. ठीक है, तो 100 रुपए वाले कितने जारी कर रहा है, 5000. आवेदन करते हो 30 रुपए. ठीक, फिर 40 रुपए किस पे कर रहा है, आवंटन पर कर रहा है. फिर 30 रुपए प्रथम तथा अंतिम याचना पर दे था. तो टोटल करो 100 रुपए हुआ, 30 और 40 70 और 30 पूरा कितना हो गया, 100. कभी भी याद रखना, दिखने में जितना इजी उतना ही कॉम्प्लिकेट. आपको हमेशा याद रखना है कि आपको अमाउंट टोटल करना है. एप्लीकेशन का 30 करना, अलॉटमेंट लिखना कितना, 40, और फर्स्ट कॉल. देखो बेसिक चीजें, लेकिन जब अगर आप इसको ऐसे शो करेंगे ना एग्जाम में अपने आंसर में वर्किंग नोट के साथ, तो उसका जो एक एक मार्क्स रहता है वो एक्स्ट्रा रहता है. अगर आपने 15 में से पूरा 15 का सही बनाया क्वेश्चन, लेकिन आपको 10 मिलेगा. लेकिन अगर आप ये सिंपल सिंपल वर्किंग नोट शो करते जाएंगे तो एक एक मार्क्स बढ़ते जाएगा आपका. आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम. नेक्स्ट देखो. देखो 6000 समता अंशों के लिए. अब देखो आवेदन प्राप्त हुए. अब आवेदन देखो कितने के लिए प्राप्त हो रहे हैं, 6000 के लिए. 6000 है ना, है कितने देखो, 5000, और मिल कितने रहे हैं, 6000. तो एक्स्ट्रा आ रहा है अपने पास 1000. इधर देखो 5000 था, रुपए में डाल दी मैं, 5000 शेयर्स हैं. लेकिन एप्लीकेशन कितने की आ रही है अपने पास, 6000 की. अब नेक्स्ट देखो. अब कंपनी कैसे आवंटन कर रही है, 4000 वालों को पूरा का पूरा दे रही है. 4000 समतांश के आवेदनकर्ताओं को वांछित अंश आवेदन कर दिए गए थे. एप्लीकेंट फॉर 4000 इक्विटी शेयर्स वर अलॉटेड टू ऑल द शेयर्स अप्लाइड फॉर. मतलब 4000 शेयर्स के लिए जिनको एप्लीकेशन आया, ठीक, उनको अलॉट कितना कर रहे हैं, पूरा का पूरा 4000 शेयर्स. नेक्स्ट देखो, जिनको 1000 इक्विटी शेयर्स अलॉट किए गए, किसको, 1500 वालों को. 1500 समतांश के आवेदनकर्ताओं को 1000 समतांश आवंटित किए. तो जिसने 1500 शेयर्स मांगे उसको कितने किए, 1000. नेक्स्ट देखो, नो इक्विटी शेयर्स वर अलॉटेड टू एप्लीकेंट ऑफ 500 इक्विटी शेयर्स. 500 समतांश के आवेदनकर्ताओं को कोई भी समतांश आवंटित नहीं किए गए. तो ये जो 500 शेयर्स वालों को निल, एक भी नहीं मिला. टोटल करो, इसका टोटल देखो आ रहा है 6000 शेयर्स, और इसका टोटल करोगे तो आ रहा है अपने पास 5000 शेयर्स. ये एप्लीकेशंस आई थी, ये अलॉटेड किए गए थे. ये वर्किंग नोट लिखा आप सबने जैसे जैसे मैंने लिखा है, सेम. यस मैम. ठीक, ये ऐसे चार्ट बनेगा, एप्लीकेशंस और
अलॉटेड का, ठीक। रफ करूं मैं, अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन में क्या दिया है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड कॉल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, आवेदन आवंटन और याचना की राशियां यथाविधि प्राप्त हो गई, ठीक है। अब जनरल एंट्रीज बनाना है अपने को, चलो स्टार्ट करो। फर्स्ट एंट्री बताओ क्या होगी, बैंक अकाउंट, डेबिट टू इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट बनाओ, एंट्री बनाओ, सही बोल रहे हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अब इसमें एक एंट्री और देखो, सॉरी वर्किंग नोट देखो एक चीज और, ये पूरा वर्किंग नोट चल रहा है ना, ठीक है। अब देखो ये तो पूरा का पूरा क्या कर दिया, नील कर दिया, रिफंड हो गया। अब देखो रिफंड, ये एप्लीकेशन मनी तो आया था साथ में, तो 4000 में तो कोई रिफंड नहीं होगा। अब 1500 में 1000 ही हमने उसको दिए, तो इसका जो 500 शेयर्स का जो अमाउंट है एक्स्ट्रा है ना एप्लीकेशन का, उसको कहाँ एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट में। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला, 1500 शेयर्स वाले को हमने 1000 शेयर्स दिए, यानी जो 500 शेयर्स का जो आवेदन मनी था, मतलब जो 500 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी था, उसको कहाँ दे दिया, एडजस्ट कर दिया, कहाँ पे, अलॉटमेंट में। वापस नहीं करती है कंपनी पैसा, याद रखना, उसको क्या कर दिया, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। अब ये वाला जो 500 था, इसका कितना अमाउंट जो भी होगा पूरा का पूरा वो क्या हो जाएगा, रिफंड। तो देखो ये कंपनी अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट कर रही है, उसको 1500 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी कितना मिला, ये पूरा वर्किंग नोट पे अगर आप शो करेंगे ना तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं। डायरेक्ट एंट्री बनाने से बेटर है वर्किंग नोट करेंगे एग्जाम में। देखो एप्लीकेशन पे कितना रुपये लिया है मैंने यहाँ पे, ये 30 रुपए, ये देखो ये एप्लीकेशन का है ना 30 रुपए, ठीक। तो 1500 शेयर्स पे 30 रुपए मिला उसको, कितना हुआ, यही आएगा अमाउंट, यस मैम। इसको दे कितना रहे हैं, 1000, तो जो एक्सेस है एक्स्ट्रा वो कितना है, 15000। ये कहाँ एडजस्ट करेंगे, टू अलॉटमेंट। नेक्स्ट 500 शेयर्स थे, 500 शेयर्स पे 30 रुपीज मिला था, ये क्या हो जाएगा, रिफंड। नोट किया सबने, वर्किंग नोट, यस मैम। अब एंट्री स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो देखो एप्लीकेशन में कितना पैसा मिल रहा है, टोटल एप्लीकेशन मनी का भी एक वर्किंग नोट बनाना। देखो बता रही हूँ कैसे, ये ना ये कॉलम को ऐसे कैलकुलेट करना, बड़ा बनाना, ये एक कॉलम और बनता है। देखो यहाँ पे बीच में ही ऐड कर सकते हैं अपन चाहे तो। तो 4000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक। तो 4000 शेयर्स पे 30 रुपए के हिसाब से कितना मिल रहा है, एक लाख बीस हजार। 1500 शेयर्स पे 30 रुपए के हिसाब से कितना मिल रहा है, 45000। और 500 शेयर्स पे 15 रुपए के 30 रुपए के हिसाब से कितना मिल रहा है, 15000।
तो टोटल देखो कितना मनी मिल रहा है, एक लाख अस्सी हजार 1,80,000। ये देखो ये ब्लू पेन से हाईलाइट कर रही हूँ, देखो 1,80,000 दिख रहा है ये, है ना। ये अपना काम बिल्कुल परफेक्ट रखना है एग्जाम में। ये देखो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ऐसे ही बनते हैं कॉलम। एप्लीकेशंस आए हैं, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ है, शेयर्स कितना अलॉट किए और रिफंड कितना किया, ये सब कॉलम बनते हैं। देखो अब सब साथ साथ नोट करते जाओ। देखो बुक में तो जनरल एंट्रीज मिल जाएगी, बट वर्किंग नोट इतना वास्ट में आपको बुक में नहीं मिलेगा। ये जो भी मैं आपको वर्किंग नोट बता रही हूँ ये सब आपके बुक्स में नहीं रहेंगे, ये सब आपको खुद से बनाना है एग्जाम में। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, टोटल कितना आ रहा है देखो 1,80,000। सेकेंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में कितना डालेंगे बताओ, ये कितना डालेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में बताओ। ये देखो एप्लीकेशन 15,000, नहीं बेटा देखो मैं कैलकुलेट करके देती हूँ यहाँ पे। एप्लीकेशन मनी अलॉटेड देखो 4,000 शेयर्स दिया है इसको, तो 4,000 इंटू 30 करो कितना हुआ 1,20,000। देखो हर चीज के कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है सिस्टमेटिक वे से। फिर इसको 1,000 शेयर्स दे रहे हैं तो 1,000 इंटू 30 करेंगे तो कितना हुआ 30,000। ठीक, इसको हमने कुछ भी नहीं दिया इसलिए कैंसिल, तो टोटल कितना आ रहा है देखो 1,50,000। आ रहा है समझ में, देखो इसको 4,000 शेयर से अलॉट किए इसलिए। एग्जाम में जब आप कॉलम बनाएंगे तो आप कॉलम का सीक्वेंस देखो ऐसे बनाना, पहले ये बनाना एप्लीकेशंस रिसीव्ड, ठीक। सेकंड बनाना एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये शेयर्स होंगे ये मनी होगी। फिर लिखना शेयर्स अलॉटेड, ये तीसरा कॉलम बनाना आप लोग। फोर्थ आप ये वाला बनाना एप्लीकेशन मनी अलॉटेड कि एप्लीकेशन मनी कितनी है एक्चुअल में, और उसके बाद फिफ्थ बनाना आप लोग कौन सा कॉलम रिफंड का। आ रहा है समझ में सीक्वेंस, देखो फर्स्ट ये सेकेंड ये थर्ड ये फोर्थ ये फिफ्थ ये। तो देखो शेयर एप्लीकेशन मनी कैपिटल में कितनी लेंगे हम, ये 1,50,000। थर्ड एंट्री क्या करते हैं अपन, जो रिफंड करते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना दे रहे हैं बताओ रिफंड। ये देखो रिफंड ये कैलकुलेट किया था 15,000। ये तीन एंट्रीज हो गई हो तो बताओ, फिर मैं रफ करूंगी पूरा वर्किंग नोट। हुआ सबका? यस मैम। सबका सिर्फ एक या दो के यस मैडम सुन रही हूँ मैम, एक मिनट। हाँ नोट कर लो फिर। जैसे हो जाएगा तुरंत बताना मुझे। हो गया मैम, सबका हो गया? हाँ मैम। यस मैम। अब देखो अब मैंने ये वाली तीनों एंट्रीज रफ कर रही हूँ आपकी। ये चार्ट रफ कर दूं? यस मैम। यस मैम।
अब फोर्थ एंट्री है ना, ये रिफंड हो गया। अब देखो अलॉटमेंट वाला जो एडजस्ट किया था उसके लिए क्या करते हैं, पहले ड्यू करो अलॉटमेंट की अमाउंट। कैसे करते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। टोटल शेयर्स हैं कितने अपने पास, 5000 शेयर्स। अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है देखो, ये 40 रुपए, ये वाला देखो 40 रुपए आबंटन पर, तो 5000 × 40 करो कितना आया देखो, 2 लाख आ रहा है, 2 लाख। अब देखो फिफ्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या होगी इसमें देखो, ये एक्सेस जो अमाउंट आया था जिसको हमने ये 1000 शेयर्स दिए थे उसका अलॉटमेंट का अमाउंट एडजस्ट किया था हमने, 15000 इनका रिफंड नहीं करके हमने क्या किया था, एडजस्ट टू अलॉटमेंट। ये अमाउंट किसका था, एप्लीकेशन मनी का। तो बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये वैसे होगा ठीक। तो अलॉटमेंट ये इसका कितना था, 2 लाख। शेयर एप्लीकेशन से कितना एडजस्ट किया था हमने, 15000। तो अब बैंक में कितना आएगा, 1,85,000। क्लियर हुआ अलॉटमेंट की एंट्री। ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस के लिए ना मोस्ट इम्पोर्टेंट मान के चलना ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि भले ही एग्जाम्पल है बट शॉर्ट एंड बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब शॉर्ट में बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्लियर करेगा। अब सिक्स्थ एंट्री आप लोग करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने का था देखो, यहाँ पे 30 रुपए प्रथम एवं अंतिम याचना पर देय था, 30 रुपए। समझ में आ रहा है कहाँ से आया 30 रुपए, तो 5000 शेयर्स हैं इनटू 30, कितना हो जाएगा, 1,50,000। तो लास्ट एंट्री देखो, क्वेश्चन में दिया है आपको कि आवेदन आवंटन और याचना की राशियां यथाविधि प्राप्त हो गई थी है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। एक लाख पचास हजार ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ये ना मैं क्लियर कर रही हूं पूरा स्क्रीन, कर दूं क्लियर? यस मैम। किसी को नोट तो नहीं करना है? बोलो कर दूं क्लियर? नो, यस मैम। कौन नो बोल रहा है, जल्दी नोट करो। किसका नहीं हुआ था,
अब अपन कर रहे हैं प्रीमियम. प्रीमियम क्या होता है? अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, मतलब अधिमूल्य, है ना. इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम. प्रीमियम क्या होता है बताओ? देखो प्रीमियम पे क्या हो रहा है, अगर 100 रुपए का शेयर है तो कंपनी उसको 120 रुपए में दे रही है, मतलब उसमें जो 20 रुपए वो कंपनी किस चीज के जुड़े हुए हैं, प्रीमियम के. मतलब जितने का शेयर है उसमें से जब एक्स्ट्रा में जब कंपनी उसको इश्यू करती है तो वो हो जाता है प्रीमियम. अब देखो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं आज अपन, फिर कल इसके यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. एंट्री क्या होती है इसकी? प्रीमियम सहित आवंटन की राशि दे होना, मतलब ड्यू वाली एंट्री, है ना. प्रीमियम सहित आवंटन की राशि दे होना, क्या एंट्री बनाते हैं इसकी? जनरल एंट्री देखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ये तो देखो नॉर्मल जब हम अलॉटमेंट की एंट्री करते थे वो, अब इसमें टू कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. पहले आप लोग शायद रिजर्व नहीं लिखते होंगे, अभी आप लोग को शायद देखने मिल रहा है रिजर्व. पहले भी लिखते थे क्या आप लोग रिजर्व? नहीं मैम, चल रहा था बट लिखते नहीं थे. ठीक है, रिजर्व अकाउंट. देखो एक तो दो चीज समझ लो, ये भी जो है हमने इसको मैंने क्रेडिट में लिखा, सिक्योरिटी प्रीमियम को मैंने क्रेडिट में लिखा. क्यों लिखा? क्योंकि कंपनी को कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो रहा है. 100 का शेयर अगर वो 120 में इश्यू कर रही है तो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है. कितने का? 20 रुपए का. और प्रॉफिट का क्या होता है? हमेशा क्रेडिट बैलेंस. इसलिए देखो ये क्रेडिट में लिखा. आ रहा है समझ में? जब भी आपको एग्जाम में डाउट होता है कि एंट्री डेबिट में जाएगी कि क्रेडिट में जाएगी, सिंपल रूल याद रखना. आप ये सोचो आपके क्वेश्चन में जब देता है कि आपको किसके बिहाफ पे एंट्री करनी है. अगर आप कंपनी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप अपने आप को खुद एक कंपनी समझ लो और उसके बेस पे आप क्या करोगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे. तो कंपनी को अगर प्रॉफिट हो रहा है इट मीन्स क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो इसलिए हमने उसको क्रेडिट में लिखा. नेक्स्ट एंट्री क्या होती है? जब आवंटन की राशि प्राप्त होती है. ये तो फर्स्ट ड्यू वाली हुई. सेकंड, प्रीमियम सहित आवंटन की राशि प्राप्त होना, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड. जब पैसे मिल जाते हैं कंपनी को तो सिर्फ एक एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. आया समझ में? यस मैम. यस मैम. कहीं डाउट किसी को? नो मैम. अब नेक्स्ट देखो, अगर आपको क्वेश्चन में कभी बोलता है कि आप इसको बैलेंस शीट में शो करो, बोलेगा आपके जो क्वेश्चन चल रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अब आपको इसको एंट्री करने बोलेगा तो बैलेंस शीट में आप इसको कहाँ शो करेंगे? साथ साथ नोट करते चलो, है ना. इसको बैलेंस शीट में हम कहाँ शो करते हैं?
जो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज कॉलम होता है, देखो बैलेंस शीट कैसे बनती है, एक तरफ लाइबिलिटीज होता है और एक तरफ एसेट. अब क्या होता है, लाइबिलिटी के साथ इक्विटी लिखते हैं, ठीक है, और इस फॉर्म में बनती है ऐसे, यहाँ टोटल हो गया और यहाँ पे एसेट्स आती हैं और उसका टोटल हो जाता है ऐसे, और इधर वाली अब नहीं बनती है, अब सिर्फ ऐसे बनती है. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में आप इसको किसके अंदर शो करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में, रिजर्व एंड सरप्लस में आप शो करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम, ये अमाउंट आ गया. ठीक, तो आज के लिए इतना, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे.